मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। बीकॉम पार्ट वन में मैं पढ़ा रहा हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आज का टॉपिक रखा हूँ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है और उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है। आइए ध्यान दें स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज किसी देश की समृद्धि का मात्रक है। वैसे तो बहुत लोग ये भी समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का खजाना है, मैंने आपको शेयर में पैसा लगाया और वो ऐसे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जुआ है, ऐसा कुछ नहीं। जिस प्रकार आपका बिजनेस, जिस प्रकार हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, ठीक उसी प्रकार बड़ी बड़ी पूंजी कंपनियों के द्वारा जो बिजनेस किए जाते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी खोले जाते हैं, इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, फैक्ट्री लगाए जाते हैं, तो उसमें जो अप डाउन होते रहते हैं वही शेयर का फ्लक्चुएशन है। तो ऐसा है कि यदि आप इस बाज़ार में पैसे लगाते हैं तो किसी कंपनी का लाभांश बहुत अधिक तो किसी का कम होता है। तो ये कम और अधिक लाभांश का उतार चढ़ाव ही आपको स्टॉक एक्सचेंज का मात्रक बताता है। साधारण शब्दों में यह कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा सुसंगठित बाजार है जहां पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की जाती है। ऐसा जगह है जहां पे आप प्रत्येक शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटी का लेन देन क्रय विक्रय कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज लंदन में बना, यानी समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज का उदय लंदन में हुआ 1775 ईस्वी में। उसके बाद सभी देशों में धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज का विकास हुआ। हमारे देश में मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज 1887 ईस्वी में बना। आज कहा भी जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज की दृष्टि से मुंबई भारत की राजधानी है। स्टॉक एक्सचेंज की दृष्टि से मुंबई भारत की राजधानी है। यह बताता है कि देश कितना समृद्धशाली हुआ। जिस देश का स्टॉक एक्सचेंज जितना ऊपर होगा तो माना जाएगा कि वो देश उतना ही समृद्धशाली है। तो ये जरूरी है कि देश का स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज कोरोना वायरस के कारण सभी कंपनियों का सेल बहुत नीचे गिर गया है। शेयर बाजार लगातार निचले स्तर पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि विश्व में सभी का बिजनेस इससे थोड़ा, लगभग सभी का बिजनेस थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है, निचले स्तर पे आया है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज का निचले स्तर पर आना भी एक स्वाभाविक सी बात है। अब हम आगे बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी का नियंत्रण होता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसी भी तरह के विवाद या फैसले होते हैं तो इसी के अंतर्गत होते हैं। अगर फाइनेंस सेक्टर में बात किया जाए तो RBI, यदि हम इंश्योरेंस सेक्टर या सिक्योरिटी शेयर बाजार की बात करें तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज की संख्याएं कितनी हैं। हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज की संख्याएं 24 थी। अभी भी स्टूडेंट यही जानते हैं कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। नहीं, राजकोट का स्टॉक एक्सचेंज की सुस्ती को, प्रभाव को देखते हुए, उसकी सुस्ती को देखते हुए, उसके कामकाज में काफ़ी सुस्ती देखा गया, तो उसे सरकार ने क्या किया, उसकी मान्यता रद्द कर दी। 9 जनवरी 2007 को राजकोट स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द हो जाने के बाद
भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्याएं अभी 23 है। अब आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला है पूंजी को तरलता एवं गतिशीलता प्रदान करना, यानी जब आप पैसे लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर में, डिबेंचर में, सिक्योरिटी में, तो आपका पैसा लिक्विडिटी होता है और एक तरह का वो गतिशीलता प्रदान करता है, उसमें उतार चढ़ाव आने लगता है। जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक स्थिर तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे कंपनी में पैसे लगाते हो, अच्छे शेयर में पैसे लगाते हो, तो आपका लगातार शेयर बढ़ते ही जाता है, या मान लो आपने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो घटते ही जाता है। तो इस तरह से वो आप एक तरह के, अब एक बात सोचो कि आप पैसे बैंक में डालो या पैसे से बिजनेस करो। बैंक में पैसे डालने से जितने नहीं बढ़ेंगे उतना बिजनेस से पैसा बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो बहुत जल्दी ट्रिपल डबल कर सकते हो, लेकिन बैंक में रख के पैसा आप नहीं बढ़ा सकते हो। आज जानते हो देश की इकोनॉमी रेट इतनी नीचे चल रही है कि आपका बैंक का जो डिपॉजिट है वो 10 साल से ऊपर होगा तब जाके डबल होगा, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप 2 से 3 साल में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। तो इस तरीके से जहाँ पे आप पैसे लगाते हो, जहाँ आप शेयर में पैसे लगाते हो, वो एक तरह का बिजनेस ही है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पैसा हमारा उसी रेशियो में बढ़ता है जैसे सभी ने पैसे लगाए हैं। हाँ, ये माना कि देश में थोड़ी उतार चढ़ाव हो रही है कोरोना वायरस के कारण, अभी थोड़ी सी शेयर बाज़ार को सुस्ती हुई है, लेकिन शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन। चूँकि इसमें रहता है सेबी, सेबी के रहने पर काम में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं होता है, इसलिए इसमें प्रतिभूतियों का जो मूल्यांकन होता है शेयर डिबेंचर का, एकदम उचित फिक्स्ड रेट में किया जाता है। नेक्स्ट, मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। मध्यस्थ के रूप में रहता है स्टॉक एक्सचेंज, एक मध्यस्थ है, एक जगह है, क्योंकि वहाँ पे रहता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो ये चाहता है कि वो किसी भी इन्वेस्टर को, कंपनी को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, कंपनी किसी इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रलोभन ना दे, उसके साथ गलत ना करे, वो सारी चीज़ों की मापदंड देखते रहता है और मध्यस्थ के रूप में काम करता है कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े जो भी आदमी हैं किसी को उससे परेशानी ना हो। इसके बाद है सरकार को ऋण की प्राप्ति में सहायक। आज देश कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसी स्थिति में सरकार को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पोस्ट ऑफिस में NSE है, KVP है, देश का फिक्स डिपॉजिट है जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं। अगर हमने मान लिया जाए 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया तो वो पैसा सरकार को हेल्प करेगा। सरकार अपनी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो मेरे पैसे से अपने इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेगी, तो इस तरीके से सरकार बॉन्ड से अपनी स्थिति को सुधारने में पूरी पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वह जानता है कि जो इन्वेस्टर है, जो विनियोक्ता है, उसको पैसे लंबे समय के बाद लौटाना है, इसलिए उससे वो अपना सहायता लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूचियन द्वारा प्रतिभूतियों को मजबूत करना। जो कंपनी जितना ज़्यादा डिविडेंट दे रहा है, अच्छी डिविडेंट, अच्छी लाभांश दे रहा है, जिसका सेक्शंस ऊपर जा रहा है, सेक्शंस मतलब बढ़ना और निफ्टी का मतलब निचले स्तर पे जाना, तो जिसका सेक्शंस जितना ऊपर जा रहा है उसी के अनुसार उसका लिस्ट बनता है और बताया जाता है कि यह शेयर कितनी मजबूती तरीके से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह स्टॉक एक्सचेंज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल कॉमर्स करियर सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने नोट्स 350 वर्ड में तैयार करना।